ओकरा, लेडी फिंगर या भिंडी, आप जिस भी नाम से जानते हैं, इसकी सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और प्याज के कॉम्बिनेशन, मतलब प्याज और लहसुन के साथ बनने वाली इसकी जो भुजिया सब्ज़ी होती है ना, मतलब भिंडी की तो मैक्सिमम सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो ऐसी सूखी सूखी ही बनती हैं। एक दो रेसिपीज़ होती हैं जो दही वाली भिंडी बनती है, या एक दो रेसिपीज़ होती हैं जो थोड़ी सी गीली बनती हैं, लेकिन भिंडी खाने में ऐसी ही अच्छी लगती है। तो इसे बनाने के लिए हमें मार्केट से लानी है भिंडी, और भिंडी को ला के धुल लेना है। धुल लेने के बाद इसे किसी कॉटन के कपड़े पे या जो किचन वाला कपड़ा होता है ना उस पे इसे अच्छे से थोड़ा पोंछ के, आधे घंटे के लिए चाहिए तो आप पंखे की हवा में रख दीजिए, या पोंछने के बाद अगर आपको भिंडी जब भी कट करके सब्जी बनानी ना, उससे आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले आप इसे धुल के पोंछ के थोड़ा सा इसका पानी सुखा लीजिए, क्योंकि जब भी इसमें पानी रह जाता है ना तभी आपकी भिंडी बहुत लिबलिबी सी बनती है। मतलब जब भी आप भिंडी की सब्जी कुक करने जाते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आती होगी कि आपकी भिंडी बिल्कुल अलग अलग नहीं बनी है ना, तो बस इसी स्टेज में आप गलती करते हैं, मतलब इसी जगह पे आपने गलती कर दी होती है। इसी वजह से आप बाद में कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आपकी भिंडी वैसी अलग अलग सी बनी नहीं पाती है। तो भिंडी को अच्छे से धुल लेना है, पोंछ लेना है, थोड़ी देर पंखे की हवा में छोड़ देना है, या अगर आपको पता है कि आपको मॉर्निंग में बनाना तो आप चाहें तो रात को भी धुल के किसी छेद वाली कढ़ाई में या किसी ऐसे बर्तन में रख दें जिससे इसका पानी निकल जाए, तभी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बस आप सुबह फटाफट धुल के, मतलब तो सुबह फिर से नहीं धुलना है, बस कपड़े से पोंछ के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी भिंडी को बहुत ही अच्छे से धुल पोंछ सब कुछ कर लिया है, और उसके बाद भिंडी को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना होता है। मतलब बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में भी मत कट करिएगा, वरना आपकी भिंडी मैसी सी हो जाएगी। और हाँ, भिंडी कट करते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा, नीचे की जो एकदम पूछ वाला सेक्शन होता है ना उसको तो आप कट कर सकते हैं फटाक से, लेकिन जैसे ही थोड़े मोटे वाले सेक्शन में पहुँचिएगा ना, एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, मतलब एक बार इस पर नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा कि कहीं आपकी भिंडी में कीड़े तो नहीं हैं, क्योंकि भिंडी में ना कीड़े घर बना लेते हैं, मतलब ये छेद छेद सी होती है ना जिसके अंदर ऐसा घुस जाते हैं। तो यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं, मैंने अपनी भिंडी पूरी अच्छे से कट कर ली है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप भी कट कर लीजिएगा। और इसके साथ कुछ और भी सामान जो यूज़ होना है वो भी मैंने तैयारियाँ करके रख ली हैं। कढ़ाई में डालना है तेल, और जब आपका तेल थोड़ा अच्छा गर्म हो जाए ना तो उसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा मिर्च और थोड़ा सा जीरा, इन चीज़ों को डाल देना है। और जब आपका लहसुन भी थोड़ा हो जाए, मिर्च भी थोड़ा हो जाए, पानी बिल्कुल मत डालिएगा वरना तेल और पानी मिलके अच्छी सी बारिश करेंगे जो आपके हाथ जला देंगे। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, उसके बाद फिर प्याज डाल दी, और प्याज को अच्छे से भून लेना है, मतलब इसे अच्छा थोड़ा सा ब्राउनिश कर लेना है। और जब आपकी प्याज भी अच्छे से जब भून जाए ना, मतलब प्याज को इसमें ना, भिंडी की सब्ज़ी में ना प्याज का टेक्सचर मैटर करता है। मतलब बाकी सब्ज़ी या कुछ और वैसा बना रहे हैं तो आप प्याज की साफनेस ख़त्म करके आप प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्याज की साफनेस, मतलब जब उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है तब हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन भिंडी के टाइम में ना थोड़ा आपको इसे गोल्डन ब्राउन, मतलब इसको थोड़ा सा अच्छा भूनना होता है, तो इसे भून लीजिएगा, उसके बाद इसमें भिंडी ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद इसे चला दीजिएगा। और चलाने के बाद आपने यहाँ पे कोई मसाले नहीं डालने हैं, कुछ भी नहीं डालना है, बस आपको यहाँ पे, मैं जो भिंडी बनाने वाली हूँ ना, बस इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँगी। सच में अमचूर पाउडर के साथ इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा ना कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपकी भिंडी इतनी स्पेशल आज कैसे बन गई है। ये अमचूर पाउडर हमारे घर का बना हुआ था, और वो भी मतलब बहुत फाइन, ये पिसा भी नहीं है, लेकिन सच में इससे भी ना इतना अच्छा सा टेस्ट आएगा ना कि आप जब अपनी भिंडी इसके साथ बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी भिंडी कुछ तो मैजिकल बनी गई है। बस इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देनी, हल्दी आपने डालनी है तो आप पहले भी ही डाल सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ना, मतलब एक एक भिंडी, जिस तरीके से मैं ऐसे कर रही थी, आप देख सकते हैं एक एक भिंडी अलग है, बिल्कुल लिबलिबापन नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 5-6 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम पे इसे पका लीजिए, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो इस वजह से आप बीच बीच में चेक ज़रूर करते रहिएगा। इसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लीजिए। और हाँ, भिंडी जब ऐसी थोड़ी सी क्रंची सी बन जाती है ना तो इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्ट डिफरेंट लेवल का हो जाता है। तो एक बार इस तरीके की भिंडी आप भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब आपकी भिंडी की सब्जी बन जाए ना तो इसमें चाहिए तो थोड़ी सी धनिया की पत्ती गार्निश कर सकते हैं, वरना नहीं भी करेंगे तो टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऐसी ग्रीन ग्रीन होती है, लेकिन मुझे, मैंने कट करके रख भी ली थी और मेरे पास थी तो इसलिए मैंने डाल दिया है, बाकी ये टोटली ऑप्शनल है। और हाँ, इस तरीके की भिंडी की सब्ज़ी ना मैं अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स से खाया करती थी, क्योंकि मेरे घर पे तो कभी ऐसी प्याज वाली भिंडी बनती नहीं थी, तब से ये मेरी बहुत फेवरेट है। तो अब आपने कर लेनी है अपने इस सब्जी की प्लेटिंग, और मैंने प्लेटिंग भी कर लिया, इसके साथ मैंने बनाई थी रोटियाँ, मतलब सिंपल रोटी बनाई थी और थोड़े से सैलेड कट किए थे। और हाँ, इसके साथ ही मैंने सर्व करा है वो मोरिंगा का अचार,
जो कि मैंने खुद से बनाया है। इसकी रेसिपी जल्दी ही आपको अगर मिल गई है तो ठीक है, नहीं मिली है तो मिल जाएगी। तो बस आपको ये रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे नेक्स्ट आपके लिए क्या बनाना है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बस खाएं पिए खुश रहें, अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव